हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग विद गिरजा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्रिसमस स्पेशल प्लम केक की रेसिपी। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। यहाँ मैंने दो ऑरेंज का जूस लिया है। इसमें येलो रेजिन, ब्लैक रेजिन, आमंड्स और कैश्यू को ओवरनाइट सोक कर दिया था। और इधर मैं 2 कप मैदा ले रही हूँ, उसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल के इसे अच्छी तरह से छान के एक साइड में रख देंगे। ये इसलिए करते हैं जिससे कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मैदे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसे हम एक साइड में रख देंगे। अभी हम कैरमलाइज्ड शुगर बनाएंगे। इसके लिए 1/2 कप शुगर लिया है। इसमें 2 टीस्पून मैंने पानी का डाला है और इसे अच्छी तरह स्लो फ्लेम में चलाते हुए कैरमलाइज्ड कर लेंगे। शुगर का कलर चेंज होने लग गया है, इसे डार्क ब्राउन होने तक हम इसी तरह से चलाते रहेंगे। देखिए ऑलमोस्ट रेडी है, डार्क हो चुका है। अब इसमें गैस को बंद कर देते हैं और इसमें थोड़ा गर्म पानी हम डाल के इसे मिक्स करके एक साइड में रख लेंगे। ये हमारे केक को कलर दे, अच्छा बढ़िया सा कलर देगा, ब्राउन कलर। ये देखिए मिक्स करके इसे एक साइड में रख देंगे। और यहाँ मैंने 4 अंडा लिया है, इसका योक सेपरेट कर लिया है और वाइट मैंने सेपरेट कर लिया है। इसे अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। फ्लफी होने तक इसे हम बीट करेंगे। उसके बाद हम इसमें बटर ऐड कर देंगे और इसे बीट करेंगे। ये देखिए बटर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। यहाँ पर शुगर ऐड कर देंगे, पाउडर करके रखा हुआ है शुगर मैंने। रेशो सारे आपको इंग्रेडिएंट्स के रेशो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। शुगर डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो सोक किया था वो ड्राई फ्रूट्स हमने निकाल लिया है। इसमें मैंने डाला है डेट्स और आमंड, फिग, अखरोट और टूटी फ्रूटी। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें हम मैदा डालेंगे, 2 टीस्पून हम इसमें मैदा डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके एक साइड में रख देंगे। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम इसको केक बैटर में डालेंगे तो ये सारा जाके तले में नहीं लगेगा, अगर हम इस तरह से करते हैं तो। अदरवाइज ये तले में जाके लग जाता है। ये देखिए शुगर, एग योक और बटर को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब इसमें कैरमलाइज्ड शुगर हम डाल देते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया कलर आया है, ये पूरा हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम धीरे धीरे जो मैदा छान के हमने रखा हुआ था उसको ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप ये वीडियो पूरा देखिए और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन। ये देखिए पूरा मिक्स कर लिया हमने। अब मैं इसमें थोड़ा सा नटमेग जो है उसको ग्रेट करके डाल दूंगी, 2 या 3 पिंच काफ़ी रहेगा। और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा हमने सिनेमन पाउडर डालना है, इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। ये हमने डाल दिया है सिनेमन, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एग वाइट हमने बना के रखा हुआ है उधर, अच्छी तरह से फ्लफी हो गया है वो। अब इसमें मैंने डाला है वनीला एसेंस, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। केक का बैटर जो है ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के मिक्स करना है और जो एग वाइट हमने सेपरेट करके रखा था उसको मिक्स करना है।
अगर आपको काफ़ी थिक लग रहा है बैटर तो आप इसमें थोड़ा सा ऑरेंज जूस जिसमें हमने ड्राई फ्रूट सोक किया था वो डाल सकते हैं। देखिए हम सारा इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही बढ़िया केक बनके रेडी होता है। ड्राई फ्रूट्स को 2 वीक 3 वीक इस तरह से भिगाने की सोक करके रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने इधर ओवरनाइट सोक किया है, उतना ही काफ़ी है। बहुत ही बढ़िया केक बनके रेडी हो जाएगा। आप देखिए ट्रेडिशनली क्रिसमस केक जो होता है ये वाला, इसमें ड्राई फ्रूट्स को रम में सोक किया जाता है। मैंने यहाँ पर ऑरेंज जूस में सोक किया है। मैंने इसमें एग वाइट डाल दिया है और इसको जस्ट फोल्ड कर लेना है, बहुत ज़्यादा देर तक मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये रेडी है बैटर। यहाँ पर मैंने प्री हीट कर लिया है ओवन को 15 मिनट तक 180 डिग्री पे, और इधर केक ट्रे को जो है ग्रीस कर लिया है, बटर पेपर लगा दिया है। इसमें सारा बैटर जो है हम डाल देंगे। देखिए बैटर आप इतना ही थिक रखिए, इससे ज़्यादा पतला मत कीजिए। थोड़ा सा हल्का सा टैप कर लेंगे और इसे ओवन में रख देंगे 25 मिनट के लिए 180 डिग्री पे, और बहुत ही बढ़िया बन के केक रेडी हो जाएगा। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है केक का कैरमलाइज्ड शुगर की वजह से। बहुत ही बढ़िया केक बन के रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। देखिए बटर पेपर को निकाल देते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया केक बन के रेडी हुआ है। इस क्रिसमस पे आप ज़रूर ट्राई करें इस वाले केक को, प्लम केक को। आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं चेरी के साथ में। देखिए बहुत ही बढ़िया केक बन के रेडी हुआ है। तो फ्रेंड्स इस तरह से रेडी है हमारा प्लम केक। फ्रेंड्स इस तरह से रेडी है प्लम केक। आप लोग इस रेसिपी को क्रिसमस पे ज़रूर बनाइए और मुझे अपने अनुभव जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।